एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा मैदान में है, उसके बड़े नेताओं के दौरे चल रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस अब तक अपने सभी लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पाई है। भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू का कहना है कि कांग्रेस अभी कोई नीति तय नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि नामांकन की तारीख निकलने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर गोविंद मालू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को बालाघाट आ रहे हैं और मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी जगह प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। न तो कोई नीति निर्धारण कर पा रही है, न अपनी नीयत क्या है उसका निर्धारण कर पा रही है, न उसका एजेंडा क्या है वो निर्धारित कर पा रही है, न वो उम्मीदवार तय कर पा रही है। इतनी असमंजस में कांग्रेस है कि वो समझ नहीं पड़ रहा है सन्नी पार में। और मुझे लगता है कि कहीं चुनाव की तारीख नॉमिनेशन के निकल जाए उसके बाद घोषित कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गौरव हैं, भारत राष्ट्र के गौरव हैं और मोदी की गारंटी है और वो जनता से सीधे संवाद करके रूबरू हो रहे हैं। वो भी देश में जा रहे हैं केवल आदिवासी क्यों? अभी तो जो पहला प्रदेश का चुनाव है वहाँ आदिवासी क्षेत्र है तो आपको लगता है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जा रहे हैं तो अलग अलग जगह रैलियां हो रही, पूरे देश के कार्यक्रम बोल के देखिए आप। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है कि 1-2 दिन में ही हम 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर देंगे और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है तो वो अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान दें। 6 अप्रैल को पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आनंद जाट ने कहा कि जनता जानती है कि यह वही झूठ की दुकान है जिन्होंने हर खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात कही थी। भाजपा ने अगर प्रत्याशी घोषित कर दी तो वो प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित करेगा, कांग्रेस से उन्हें क्या दिक्कत है? और ऐसे जन जन के मन के उम्मीदवार आज या कल में कांग्रेस पार्टी घोषित कर देगी जो भाजपा और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ मुखर संघर्ष की प्रतीक होंगे। ऐसे उम्मीदवार हम आज घोषित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है ये वही झूठ की दुकान है जो 15 लाख हर खाते में डालने की बात कहकर उसे जुमला बताते हैं। ये वही है जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा हर साल युवाओं को देने का ढांचा आज बन गया है, जो युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और बढ़ती हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार का नारा मध्य प्रदेश की जनता बुलंद करने जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।